हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वल वेक्टर्स के बारे में, या इसी को बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में, यानी कि दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, या फिर वेक्टर्स की इक्वलिटी वही है कि दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कोई भी दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं अगर उन दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो वैल्यू है, ओके, तो उन दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है तो उन दोनों वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, ओके। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दोनों ही वेक्टर इक्वल तब होंगे जब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, इन द मॉड्यूलस, राइट। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी, जब उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, साथ में वो दोनों जो वेक्टर है वो पैरेलल होने चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। एंड तीसरी चीज़, इन दोनों ही वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। देखिए ये वेक्टर भी इधर है, राइट, और ये वेक्टर भी इधर है, तो दोनों ही बेसिकली वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों वेक्टर को हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि वेक्टर ए अगर आपने कैपिटल में लिखे तो कैपिटल वेक्टर ए, ओके, इक्वल टू वेक्टर कैपिटल बी, या इसको लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर इक्वल टू आर एस वेक्टर, ओके स्टूडेंट्स। तो इस केस में पी क्यू और आर एस ये दोनों वेक्टर जो हैं वो इक्वल वेक्टर होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।